सूबाई वजीर सेहत ने महकमा सेहत पंजाब में 4600 नए असामियों की मंजूरी की खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब के सरकारी टीचिंग हस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत के जिला सदारत महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में मुनक़दा इजलास में नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अहमद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरीज अहदा अजहर, शाहदा फारूक, डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ, कुरातुल्लैन और आगा नबील, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी और मुतलका डिप्टी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 4600 नई असामियों पर भर्ती करने के लिए रिकॉग्निशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाने के लिए अमल का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत से पहले महकमा सेहत पंजाब 50% खाली असामियों के साथ चल रहा था। हमारी हुकूमत ने महकमा सेहत पंजाब में डॉक्टर्स की रिकॉर्ड भर्तियां की हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।